हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज के कुछ अपडेट्स के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत जन ये सेंड कर रहे थे कि एजी मीडिया ने कहा है कि नवंबर 12 को बहुत सारी चीज़ रिलीज़ होने वाली है, यानी कि मार्वल स्टूडियोज रिलीज़ करेगा बहुत सारी सीरीज़। तो देखो, सबसे पहली बात कि नवंबर 12 को एक इवेंट होने वाला है जो कि है डिज्नी प्लस का, और उसे कह सकते हैं डिज्नी प्लस डे, ठीक है। तो उस दिन को कुछ रिलीज़ नहीं होगा, उस दिन होगी तो वो होगी अनाउंसमेंट, यानी कि अभी तक ये फिक्स नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज़ उसका पार्ट होगा या नहीं होगा, बट डिज्नी के अंडर है मार्वल स्टूडियोज़, तो हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज़ कोई भी सीरीज़ का अनाउंसमेंट करे, जैसे कि अगले साल बहुत सारी सीरीज़ आने वाली है तो उसकी रिलीज डेट या फिर ट्रेलर रिलीज़ कर दे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो कुछ फिक्स नहीं है। जो लोग मतलब मुझे कह रहे थे कि एजी मीडिया कह रहा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है तो उस दिन अनाउंसमेंट हो सकती है मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से कि अगले साल और न्यू कौन सी सीरीज़ आने वाली है, उसके बारे में वो लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, बाकी आप लोगों को जिस पर ट्रस्ट है आप लोग कर सकते हो। और इसी के साथ अब बात करते हैं व्हाट इफ सीरीज़ के बारे में। तो देखो, आप लोगों को मैं एक लिस्ट बताऊंगा, यानी कि एपिसोड 1 का तो आप लोगों को पता है कि कैप्टन कार्टर पे बेस्ड था, तो रूमर के अंदर वो नेम था, तो वो मतलब राइट हुआ है। तो इसलिए मैं आप लोगों को आगे का बता रहा हूँ कि मतलब एपिसोड 2 में कौन होगा, एपिसोड 3 में क्या होगा, ऐसा चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बात करूँ एपिसोड 1 की, तो रूमर में एपिसोड 1 में नेम था, यानी कि मैंने जो टेलीग्राम पे डाला था, कैप्टन कार्टर, तो वो डन हो चुका है। कैप्टन कार्टर हमें दिख चुकी है एपिसोड 1 पे। बात करूँ एपिसोड 2 की, तो एपिसोड 2 में हमें दिखने वाला है टीचाला एंड स्टार लॉर्ड, यानी कि जो मिक्सअप है उन लोगों का, तो वो होने वाला है, और मतलब योंडू भी दिखाई देने वाला है। बात करूँ एपिसोड 3 की, तो एपिसोड बेस्ड होने वाला है 3 लोकी पे, यानी कि लोकी, निक फ्यूरी सर और मे बी थॉर भी हमें दिखाई दें। और बात करूँ एपिसोड 4 की, तो एपिसोड 4 में वर्सेस होने वाला है डॉक्टर शिंच वर्सेस डॉक्टर शिंच। और बात करूँ एपिसोड 5 की, तो एपिसोड 5 में हमें पार्टी थॉर दिखने वाला है, यानी कि थॉर लेकिन पार्टी मोड में, ठीक है। और बात करूँ एपिसोड 6 की, तो एपिसोड 6 में हमें वकांडा दिखने वाला है, और किल मॉन्गर और टोनी स्टार्क भी दिखाई देगा। बात करूँ एपिसोड 7 की, तो एपिसोड 7 बेस्ड होगा ज़ॉम्बीज पे। और बात करूँ एपिसोड 8 की, तो एपिसोड 8 बेस्ड होगा टोनी स्टार्क और गमोरा पे, और हमें सकार का सीन भी दिखाई देगा। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि व्हाट इफ आयरन मैन गोज ऑन सतर, ऐसा कुछ तो मतलब मैंने टाइटल दिया था, मुझे भी नहीं याद है, तो आप लोगों को मतलब सर्च मार सकते हो अगर सर्च में मतलब मेरी वीडियो आ गई तो बढ़िया है। और बात करूँ एपिसोड 9 की, तो एपिसोड 9 बड़ा होने वाला है, यानी कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस हिसाब में मैं कह रहा हूँ। तो आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा कि सोलो मूवीज़ आती है, फिर एक बड़ी मूवी आती है दी एवेंजर्स, तो वैसे कुछ टाइप का होने वाला है, यानी कि एपिसोड 9 में हमें एक वर्सेस दिखाई देगा जो एक बड़ा अल्ट्रॉन होने वाला है, यानी कि बिग विजन बड़ा अल्ट्रॉन, यानी कि आप लोगों ने देखो ये सीन देखा ही होगा। तो ये जो अल्ट्रॉन है, यानी कि बिग अल्ट्रॉन वर्सेस गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स होने वाला है, यानी कि एवेंजर्स और लोकी कैसे हुआ था दी एवेंजर्स में, मतलब आप लोग उम्मीद है मुझे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि एक बड़े इवेंट से एंड होगा ये सीरीज़। वैसे अगर आप लोगों को लास्ट का मतलब समझा नहीं होगा जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था, तो आप लोग ये लिस्ट देख सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कुछ दिन पहले, तो ये पढ़ के शायद आप लोग समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा था लास्ट एपिसोड के बारे में। और इसी के साथ मैं आप लोगों को शैंगची मूवी के कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं, और जो मैंने आप लोगों को बताया था वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे मिले हैं, तो आप लोग जैसे कि देख रहे हो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, आप लोग इंस्टाग्राम पे से ले सकते हो। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आप लोगों को डिज्नी प्लस डे के बारे में बताया है वो होने वाला है नवंबर 12 को। बाकी की डिटेल्स आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को दे दूंगा अगर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो, और मार्वल स्टूडियोज अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो भी कुछ वो लोग बताएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। और व्हाट इफ सीरीज़ के बारे में जो मैंने बताया है वो 100% सच होगा मेरे हिसाब से, तो बाकी देखते हैं। और शैंगची मूवी का तो आप लोगों को मैंने न्यू इमेजेस दिखा दिए है, और अगर एजी मीडिया ये वीडियो देख रहे हैं या फिर उसके तक मतलब पहुँचा दो, उसको कह देना कि अगर कॉपी पेस्ट भी मतलब वो कुछ कर रहा है ट्विटर से तो उसे प्रॉपर तरीके से करे, डिज्नी भी उसने रॉन्ग लिखा था, और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार हो चुका है। मैं कह के थक गया, मेरे को उससे इशू नहीं है, बट लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और फिर मुझे पूछते हैं तो मेरे को परेशानी होती है, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।